आप देखिए भाई साहब इनसे मिलिए पूरे रास्ते पर इन्होंने सोने नहीं दिया और ये हमारे पीछे बैठे सोने की कई बार कोशिश की लेकिन इस बंदे ने इनको सोने नहीं दिया। इनका कहना है कि जगराता करते हुए हम लोग दर्शन के लिए चलेंगे और क्या। और एक हमारे नए मित्र है बहुत पुराने हमारे जिगरी राकेश या साथ में झरघोर पानी बरस रहा है इसमें बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। सलाहकार बोले जाते सलाहकार दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं रिंगस ठाटू श्याम जय श्री श्याम और नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुके हैं और दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जो भी है आपको लाइव दर्शन कराएंगे अगर उसका तो लाइव दर्शन कराएंगे। जय बाबा श्याम जय श्री श्याम। पहुंच चुके हैं ठाटू धाम पर और हमारे सामने है तोरा द्वार जिसको पार करने के बाद हमें सभी कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं और आज कल चुकी एकादशी है इसकी वजह से आज अत्यधिक भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी तक मैं जितनी बार आया हूँ मुझे इतनी भीड़ नहीं मिली जितनी भीड़ आज है। चारों ओर भीड़ ही भीड़ है और क्योंकि बाबा श्याम की ऐसी कृपा रही थी लोगों की कि चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो लोगों को दर्शन करना है तो आना है तो आना है। उन्हीं में से हम लोग भी भक्त हैं कि अगर आना है दर्शन करने के लिए तो आ गए। जय बाबा श्याम की। भीड़ का नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त भीड़ है बहुत ही सुंदर नज़ारा है भीड़ ही भीड़ है मेले से प्रदर्श और हमारे एक मित्र का सभी लोग बहुत ही आनंद पूर्वक दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर भीड़ की बात करें तो आज बहुत ही जबरदस्त भीड़ है लगभग करीब 3 से 4 लाख भीड़ होगी इस समय वर्तमान में और खाटू धाम पर इतनी भीड़ तो स्वाभाविक है रोज बनती है। एकादशी सोमवार को एकादशी होने के कारण 1 तारीख को एकादशी होने के कारण भीड़ और भी है बहुत से लोग पहले से ही आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। बाबा के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होते हैं। जय बाबा श्याम। द्वार वो है द्वार जिसको पार करने के बाद में सभी भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये ऐसा द्वार है तोरण द्वार बाबा श्याम का द्वार पार करने के बाद सभी भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। आखिर हमने तोरण द्वार को पार कर लिया है और अब हम चल रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन के लिए और इतनी भीड़ है उसमें बाद में ले आए थे यार। श्याम कुंड के दर्शन भक्तों के गर्मी में विशेष व्यवस्था की गई है पानी के फव्वारे के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है बड़े बड़े पंखों के द्वारा हवा की जा रही है। बहुत ही भव्य और बड़ा पंखा बहुत ही जबरदस्त भीड़ इस समय खाटू धाम में खाटू धाम पर सर प्रांगण में बहुत ही जबरदस्त भीड़ आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है।
देखे जो आप भी देख रहे हैं इस समय शेखर जी की ठाकुर जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। श्याम बाबा के घर के ठीक सामने ही ठाकुर जी का बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए हैं। बहुत ही अत्यधिक भीड़ है, लगता है जैसे फाल्गुनी मेला के अंतर्गत हम दर्शन करने आए हैं। चारों ओर सुंदर भीड़ का नज़ारा है और इस समय बादल छाए हुए हैं, बहुत ही ठंडा मौसम है, प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। आप लोग भी जरूर आए, चैनल पर बने रहें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा श्याम। दर्शन करने के बाद में और थोड़ा बहुत घूमने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद में हम लोग अपने गंतव्य यानी कानपुर के लिए कार द्वारा वापस चल दिए हैं और उम्मीद करते हैं बाबा श्याम हमको और भक्तों को दोबारा जरूर बुलाएंगे। जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम। ओम श्याम देवाय नमः।